हे गाइज, व्हाट्सअप, आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप फ्रेंड्स? आई होप गाइज अच्छे होंगे आप सभी। एंड बाय द वे गाइज, आई एम सिराज। सो बाय द वे गाइज, आज के वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। आप देख सकते हैं काफी अविसम फोटो एडिटिंग होने वाला है, एक डार्क फोटो एडिटिंग होने वाला है। सो लेट गाइज स्टार्टेड एंड बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है आज का। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। एंड गाइज, आज की वीडियो के ट्यूटोरियल में फोटो एडिटिंग में यूज होने वाले बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके फोटो एडिटिंग का आइडिया ले सकते हैं। एंड किसी भी एडिटिंग के प्रॉब्लम के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। एंड गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ नया सीखने को मिल सकता है इस वीडियो में। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, वीडियो के नीचे लाल बटन दिया गया है, सिंपली देन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। गाइज, बहुत ज्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाए हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो बाय द वे गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना होगा। यहाँ पर इस पे शेयर पे क्लिक करके आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओपन कर देना होगा। मैं ओपन कर दे रहा हूँ। देन गाइस, ओपन करने के बाद दोस्तों अपने फोटो का मॉडल ले लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऐड फोटो दिख रहा है, सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करके अपने मॉडल को लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करके ले लेना। देन गाइस, मॉडल लेने के बाद आपको एडजस्ट कर देना कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं अपने फोटो को या अपने मॉडल को एडजस्ट कर देना कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं अपने मॉडल को एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर अगेन आपको ऐड फोटो करके फिर से आपको अगेन मॉडल को फिर ले लेना। दोबारा ऐड फोटो पे क्लिक करके मॉडल को ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मॉडल, तो सिंपली गाइस मॉडल को लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप एडजस्ट कर देना। आप देख, इस टाइप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करके कुछ इस टाइप कर देना। आप देख सकते हैं देन गाइस, इस तरह क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं, इस तरह करने के बाद आपको कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना अपने फोटो को। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना। यहाँ पर देन गाइस, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। देन गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हम नीचे स्लाइड करेंगे, ऑपेसिटी वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर एडजस्ट। देन इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर सर्कल, देन इसको क्या करना होगा, माइनस 100 कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये माइनस आपको 100 या 94 कर देना होगा, मैं इतना कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रास्ट पे क्लिक करके देन गाइस, इसको भी कुछ इतना कर देना होगा। आप देख सकते हैं कुछ इतना कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों क्लियरिटी शो रहा है, देन इसको भी कुछ इतना इंक्रीज कर देना होगा। चाहे तो इंक्रीज यार आप नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देन गाइस, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑपेसिटी को आपको कुछ इतना नॉर्मल सा कर देना होगा। आप देख सकते हैं कुछ इतना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके फोटो का शैडो बन गया। उसके बाद राइट साइड पे क्लिक कर देना। देन सेव करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फोटो काफी देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा शैडो आपके फोटो का बन गया। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, इसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा ड्रॉ, सिंपली देन इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीन बिंदी, यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट, देन इस पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव कर लेना है। सेव इमेज दिख रहा है, देन इस पर क्लिक करके सेव कर देना होगा। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों आप चलते इसे लेकर लाइटरूम एप्लीकेशन। देन गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद फोटो को आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना होगा। अब स्टेप बाय दोस्तों आप मेरे बताए हुए रास्ते से आप कीजिएगा, ट्रिक से कीजिएगा, काफी अच्छा डार्क फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो सिंपली गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देन गाइस, ऐसे अच्छे अच्छे फोटो एडिटिंग के लिए, तो देन गाइस सबसे पहले नीचे स्लाइड करेंगे यहाँ पर राइट साइड में, तो यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों इस वाले टूल, देन इस वाले टूल पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मिक्स टूल पे देन क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं इसमें क्या सेटअप करना होगा। तो सिंपली दोस्तों आपको पहला दिख रहा होगा ह्यू, तो देन गाइस ह्यू को आपको कितना -16 कर देना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इतना इसको कर देना होगा। आप अच्छी तरह देख सकते हैं अपने फोटो के हिसाब से, जो भी कीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफी अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे। देन गाइस, यहाँ पर सैचुरेशन को 19 कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा कलर सेलेक्ट कर देना होगा, इसको आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सैचुरेशन। देन गाइस, सैचुरेशन को आपको -17 कर देना होगा। कुछ इस टाइप का सेटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफी अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे अपने फोटो को। देन गाइस, यहाँ पर दिख रहा होगा येलो। देन गाइस, तीसरे वाले कलर को सेलेक्ट कर देना होगा। यहाँ पर सैचुरेशन को -100 कर देना होगा। यहाँ पर फिर अगेन आपको ग्रीन वाले कलर को लेना है, उसके बाद सैचुरेशन को -100 कर देना होगा। इस टाइप से आपको सभी कलर सेलेक्ट करके आपको सैचुरेशन को कर देना होगा। तो देन गाइस, मैं अगला प्रोसेस इसको भी सैचुरेशन को -100 कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ब्लू वाले कलर को सेलेक्ट कर देना होगा। ब्लू वाले कलर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको क्या करना होगा, इसमें ह्यू को आपको कुछ इतना सेटिंग कर देना होगा, अपने फोटो के हिसाब से कीजिए, काफी अच्छा
कर पाएंगे। देन गाइस इसको 13 कर दे रहे हैं 13। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना होगा यहाँ पर कुछ इतना। अब देख सकते हैं दोस्तों कुछ इतना सेटिंग कर देना होगा यहाँ पर आपको सैचुरेशन को। फिर अगला कलर सेलेक्ट करने के बाद सैचुरेशन 100 कर देना होगा। अगेन गाइस ब्लू कलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या ह्यू को आपको इंक्रीज करना होगा। -13 कुछ इतना करना होगा, 13 फोटो के हिसाब से कीजिएगा। सैचुरेशन को -100 कर देना होगा। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आपका फोटो कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिंपली यहाँ पर कलर का ऑप्शन, देन इसको कुछ इस टाइप का सेटिंग कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं टेम्प यानी टेम्परेचर, देन गाइस टेम्परेचर को 10 कर देना होगा। फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफी अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे आप अपने फोटो को। गेन एट इसको भी इतना कुछ सेटिंग कर देना होगा, 5 कर देते हो टिंट को, 5-3 जो भी करना हो दोस्तों फोटो के हिसाब से कीजिएगा। काफी स्मूथ आपका फोटो एडिटिंग हो जाएगा। यहाँ पर हल्का फुल्का डाल के काफी अच्छा देखने में लगेगा। वाइब्रेंस को आपको कुछ 20 तक कर देना होगा, 20 तक कर देना आसपास, 20-19 कुछ इतना करने के बाद आपको सैचुरेशन को -8 कर देना होगा, 8-7 जो भी। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस बताते हैं क्या करना होगा। यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाले टूल को यूज करना है, देन गाइस इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इतना इसको कर देंगे 20 इतना कर देना है। अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफी अच्छा आप एडिटिंग कर पाएंगे। 20 या 16 जो भी कर सकते हैं, मैं 21 कर दे रहा हूँ। देन गाइस अब आपको क्लियरिटी शो हो रहा है, देन क्लियरिटी को कुछ फोटो के हिसाब से इतना दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 13 दे दे रहा हूँ। इतना देने पर विग्नेट को आपको कुछ इसको डीजे को कुछ लमसम फोटो के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ इतना आप देख सकते हैं 20 के आसपास कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये भी डालने में अच्छा लगता है फोटो। यहाँ पर विग्नेट को आपको 30 या 25 ये भी कर देना होगा। मैं यहाँ पर फोटो के हिसाब से 31 कर दे रहा हूँ। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा इस वाले टूल को, देन इस वाले टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शार्पनिंग को कुछ 50 तक कर देना होगा। शार्पनिंग गाइज 49 कर दिया हूँ, यहाँ पर नोज रिडक्शन, देन गाइज इसको भी 25 कर देते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे डिटेल वगैरह, डिटेल को भी 96 कर दे रहे हैं, कुछ इतना कर देना। फोटो के हिसाब से आप भी कीजिए 25 या 6 कुछ इतना इसको भी कर देना 30 के अंदर। कलर नोज को आपको 25 कर देना होगा, फोटो के हिसाब से कीजिएगा। देन गाइज देख सकते हैं इतना कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप कलर नोज करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ अगर नीचे दिख रहा होगा आपको स्मूथ, तो देन इसको भी स्मूथ को कुछ 12 तक कर देते हैं। गाइज फोटो काफ़ी अच्छा आपका देखने में लगेगा, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपका फोटो एडिटिंग हो जाएगा। देन गाइज उसके बाद आपको ऊपर स्लाइड करेंगे तो इस टूल को सेलेक्ट कर देना होगा, यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है। देन गाइज इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फेवरेट के ऑप्शन पर देन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मॉडल को सेलेक्ट कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मॉडल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ Vintage 1 यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टूल को, देन इस पर क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फोटो काफ़ी अच्छा एडिटिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों आपका फोटो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। देन गाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। देन गाइज यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाले टूल शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेव टू डिवाइस कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं दोस्तों सेव हो जाएगा। देन गाइज लाइक कर देना यार, काफी मेहनत करके वीडियो बनाया है, आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो प्रोसेस ना यार देन गाइज आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में आने के बाद। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर यू गाइज।